परी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस मैरी थैंक यू. क्रिसमस के लिए. कहते हैं जो सपना हम देखते हैं बहुत जल्द पूरा होता है, और आज के दिन के लिए काफी वेट किया होगा आपने भी अपने लाइफ में, बहुत पेरेंट्स ने भी. जैसे ही मेरा मूवी का लास्ट दिन था उसके बाद से मैं वेट कर रही थी. ठीक है, पहले बोला 15 दिसंबर, फिर 25 दिसंबर, फिर ऐसे आके 12 जनवरी को बोला. ओके, तो काफी वक्त लगा. तो कितना पेशेंस रखने में कितना टाइम लगता है आपको? बहुत बहुत. बताइए आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए लोगों को. मेरा कैरेक्टर एनी है फिल्म में, और पूरी स्टोरी मेरे ऊपर ही है. जैसे विजय सेतु ने वो उनका पर्स चोरी करा रहे थे, तो पता चलता है कि मैंने जब बोलती हूँ सेंटा, क्योंकि मैं घूंगी रहती हूँ उस पूरी फिल्म में, तो फिर मैं बोलती हूँ सेंटा, तो उससे पता चलता है कि विजय सेतु पति ने पर्स चुराया है. ओके, आपके कैरेक्टर का नाम क्या मूवी में? एनी. एनी, ओके. सो किस तरह से ये ऑफर आपके पास आया, किस तरह ऑडिशन, कैसा तरह हुआ? ऑडिशन बिना ऑडिशन के हुआ था ये. ओके, विदाउट ऑडिशन. हाँ, बहुत सारे बच्चे आए थे, मैं भी ऐसे खड़ी थी. हाँ, फिर बोला कि तुम आ, मेरी बारी आई. फिर मैं गई, तो कैटरीना मैम बोला आई एम कंफर्टेबल विद दिस गर्ल. तो फिर हम लोग को 8000 बच्चों में से मुझे सिलेक्ट करा था. ओके, 8000 बच्चों में से आप सिलेक्ट हुए. तो क्या लगा कैटरीना मैम से जब पहली बार उन्होंने बोला कि आई एम कंफर्टेबल विद यू, तो आपका अच्छा लगा? मम्मी तो रोने ही लगी थी. मम्मी रोने लग गए? मम्मी ने क्या बोला आपको? मम्मी ने बोला मेरी इतनी बड़ी एक्टर बन गई, तू पहले किससे से छुट्टी थी और अभी इतने बड़े एक्टर के साथ काम कर रही हूं मूवी में. उसके बाद कैटरीना मैम के साथ काम करने में कैटरीना मैम ने मेरी मम्मी को खुद चुप कराया था. चुप कराया? मैं बहुत नर्वस थी पहले दिन पे. मेरे को लगा था कि मेरा मीन्स ज़्यादा होएगा नहीं, मैं थोड़ी कम ही रहूँगी, और मेरे को डर भी लग रहा था कि मैं अभी क्या करूँ. हाँ, मैं बैठी थी चुपचाप, फिर मीन्स डायरेक्टर सर ने भेजा दानी मैम. हाँ, उनने बोला कि मेरे को आना है, तुम आपसे मुझे दानी बोलना. तो मैंने बोला नहीं, मैं मैम बोलूँगी. तो उनने बोला ठीक है चलो हमें स्टेज पे चलने. मैंने कैटरीना मैम को देखा, मैंने कैटरीना मैम को तो देखा था, पर विजय सेतुपति सर को नहीं देखा था. अचानक से मेरे को लगा ये कौन आ गया अभी. तो फिर पता चला कि मेरे पापा बने उसमें. ऐसा विजय सर से बात और फिर पहले जो हाँ विजय सेतुपति सर बहुत फनी है. बहुत फनी है, बहुत. कोई जब हम लोग को फोटो लेना था ना विजय सेतुपति सर के साथ, जब हम लोग अंदर गए वेन्यू के, तो मैं देख के हैरान रह गई थी, क्योंकि वो कॉस्ट्यूम में नहीं थे, वो कुछ और कपड़े में था, ऐसे घूंगी में थे. आपने जब कैटरीना मैम के साथ जब एक्टिंग की कर रहे थे, जब शूट कर रहे थे, कोई ऐसी चीज जो आपने सीखी हो, क्योंकि उन्होंने इतने एक्सपीरियंस कलाकार हैं. कैटरीना मैम ने मेरे को योगा भी सिखाया था. कैटरीना मैम ने जब ब्रेक हुआ था तो मेरे को योगा सिखाया, तो कैटरीना मैम बोल रही थी कभी झूठ नहीं बोलने का, नहीं तो है ना एक मैजिकल चीज आती है और तुम्हें मार के जाती है. ओके, तो वो मैजिकल चीज के बारे में पता है क्या था वो मैजिकल चीज? ये तो नहीं बताया. पता नहीं बताया. ओके, इसके अलावा विकी विकी सर कभी आते थे उनसे मिलने के? आपकी कोई आपके साथ वीडियो भी है विकी सर का, उसके बारे में बताइए थोड़ा. मैं बैठी थी, वीके सर ने मेरे को हाई भी करा कि मीन्स, क्योंकि मैंने कल्याण ज्वेलर्स का कैटरीना मैम के साथ एक और बार करा था ना मूवी के ब्रेक के टाइम, तो मेरे को कैटरीना मैम दिखी, तो मैं खुश होकर ऐसे हाई करी, तो कैटरीना मैम भी हाई. हाँ, फिर विकी कौशल सर आए थे, तो मैं भी उनसे मिली, बहुत ही फनी भी थे वो. कैटरीना मैम को सिखा रहे थे कि अच्छे से एक्टिंग करो, ऐसा ये सब. और फिर जब मैं वहाँ पे गई ना इंटरव्यू के टाइम, जहाँ पे सैम बहादुर का इंटरव्यू था, वहाँ पे गई, तो फिर मैंने विकी कौशल सर को देखा, मैं फर्स्ट सीट पे बैठी थी, तो विकी कौशल सर ने हाई करा हमने को इंटरव्यू के टाइम पे. और फिर मैं लास्ट में डांस भी करा उनके साथ. कौन से गाने पे? तेरे वास्ते सॉन्ग. अच्छा लगता है आपको गाना सुनना होगा? हाँ, बहुत ही फेवरेट है. ओके, मूवी की अगर मैं बात करूँ, आपने एज चाइल्ड आर्टिस्ट हुआ है, तो किस तरह से आपका प्रिपरेशन रहता है, घर वालों का किस तरह फोकस रहता है आपकी करियर पे?
सबका मम्मी आपके अभी भी इंटरव्यू में है तो मम्मी हमेशा रहते हैं सेट। हाँ मम्मी को इनको बहुत खुशी भी होती है कि मेरी बेटी मूवी में काम कर रही है। दादी भी रोती है जब मूवी रिलीज होने वाली थी 10 जब मूवी का पोस्टर रिलीज हुआ तो मम्मी और दादी ने मेरे को पोस्टर में देखा ना तो मम्मी और दादी दोनों रोने लगे, अभी भी रोने लगे। लो स्क्रीनिंग पे क्या हुआ, स्क्रीनिंग जब मम्मी और मम्मी ने आपको सबसे पहले पर्दे पे, क्योंकि हम शूट तो देखते हैं नॉर्मली, जब बड़े पर्दे पे देखते तो एक अलग ही फीलिंग होती है। पूरे सीन में मेरे ऊपर ही है बस, क्योंकि मैम को बहुत डर लगता है क्योंकि उनका जो एक पति रहता है वो मर जाता है रियल वाला, विजय सेतुपति नकली रहते हैं तो मर जाते हैं। पर कैटरीना मैम कहीं भी घूमने को जाती हैं तो फिर वो जेरोम को देखती कि वो ऐसे गोली हाथ में लेके मरे हुए, तो उनको डर लगता है कि कहीं एनी को तो नहीं मार रहा उसने। फिर गए भाग के वो मेरे को देखती तो फिर मैं सो रही रहती हूँ। कैटरीना मैम बोलते बेटा तुम ठीक हो ठीक हो, मैं ऐसे हाँ हाँ करती हूँ बस। और फिर ना जब मीन्स पहली बार वो शूट हो रहा था ना फर्स्ट डे का शूटिंग पे, क्या था मैं वो मूवी थिएटर में हम लोग बैठ सोए थे तो वो विकी अरे अपने विजय सेतुपति सर है ना, उनने मेरा नाम पूछा। मूवी में ऐसा पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, ऐसा उनने पूछा। तो फिर मैं कुछ बोलती नहीं तो बोलते तुम बोल क्यों नहीं। तो फिर मूवी में ऐसा बताया जाता है कि मैं बोल नहीं सकती, मैं गूंगी ऐसा। कैटरीना मैम बोलती है बोल नहीं सकती, इसका नाम एनी है। एनी है, ओके। तो आपको एक्टिंग अच्छी लगती है, कौन से ऐसे कलाकार को आप पसंद करते हो? कैटरीना मैम तो होगी आपके लिस्ट पे, और कोई कलाकार जो आपको अच्छा लगता हो? मेरे को दीपिका पादुकोण बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और सलमान खान और अपना शाहरुख खान। कौन सी फिल्म अच्छी लगती है शाहरुख खान की? मेरे को सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी? डंकी फिल्म। डंकी अच्छी लगी। सैम बहादुर। एनिमल तो मम्मी पापा ने देखा। आपने नहीं देखा एनिमल? 18 प्लस है। नहीं पसंद आपको? पसंद है। मिली भी हूँ उनसे सब। ओके, मिले भी हो। और क्या आपके क्या टेलीविजन में काम करना पसंद करोगी? बॉलीवुड तो डेब्यू हो चुका है आपका, टेलीविजन में, क्योंकि बहुत सारे चाइल्ड आर्टिस्ट हम देखते हैं टेलीविजन में काम करते हैं, तो आपको टेलीविजन में काम करना अच्छा लगेगा? कोई ऐसे काम? हाँ, अच्छा लगेगा, क्योंकि बॉस में भी टेलीविजन है। पूरे टेलीविजन में पूरे बॉलीवुड में दिखाएंगे तो इसलिए अच्छा लगता है टेलीविजन। मम्मी ने आपको सबसे पहले स्क्रीनिंग पे क्या बोला, आपने जब पर्दे पे देखा तभी कुछ बोला आपको बेटा बहुत अच्छा लग रहे हो, इमोशनल होते परिवार? मम्मी थोड़ा है ना फिल्म में रो भी रही थी, क्योंकि मम्मी बोली कि इतना बड़ा काम कर दी कैटरीना मैम के साथ, विजय सेतुपति के साथ, मैं लास्ट तक फिल्म में थी, स्टार्टिंग भी मेरे से हुई थी और लास्ट भी मेरे से ही हुई थी। लास्ट भी आपसे ही हुई थी, क्या बात है। अच्छा लगता आपको? अच्छा लग रहा था, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे स्टार्स थे स्क्रीनिंग पे, कोई स्टार आपसे इंटरेक्ट किया उस समय? हाँ, पहली बात तो अनन्या पांडे खुद आई मेरे साथ, बोली यू आर एनी ना राइट? मैंने बोला यस राइट, तो उनने मेरे साथ खुद अपने एक फोन में फोटो लिया, मम्मी ने भी एक फोटो लिया उनके साथ। और सनी कौशल सर, सनी कौशल राजकुमार राव, हिमेश रेशमिया, बूढ़ी बूढ़ी का हो, बहुत सारे एक्टर ने सर रिव्यू दिया अंदर, और खुशी कपूर ने, और बहुत सारे सेलिब्रिटी कैटरीना मैम। कितनी खुशी होती है क्योंकि बहुत बड़े-बड़े कलाकार जब तारीफ करते हैं बहुत अच्छा लगता होगा। हाँ। आपको कुछ अगर बताना चाहोगे, आखिरी का सवाल है ये, कुछ अगर बताना चाहोगे ऑडियंस को? पहली बात मैं शौक थी कि अनन्या पांडे भी मेरी फेवरेट एक्टर, मैं शौक हो गई कि अनन्या पांडे खुद आई, मैं थोड़ी नर्वस हो गई कि अनन्या पांडे खुद आई। फिर उन्होंने बोला नाइस एक्टिंग एनी, यू आर बिग स्टार नाउ। हाँ, तो उन्होंने अपने फोन में खुद फोटो लिया और पता नहीं किसी को दिखा रही थी। मृणाल ठाकुर ने भी आपको? या मृणाली ठाकुर। हाँ, मेरे को उनका नाम नहीं पता है, बट क्या क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला ओ हो एनी भी बिग स्टार बन गई अभी। एनी स्टार, बिग स्टार। सनी कौशल लाइक मैंने सनी कौशल को थोड़ा जब मैं वीडियो में देखा था तब तो उनके बाल ऐसे बड़े थे थोड़े, तो अभी मैं जैसा खड़े हो गए ना थोड़े, तो मैं शौक हो गया कि ये कौन सा एक्टर आ गए, तो फिर मम्मी ने बताया कि सनी कौशल हो गए, थोड़ा बाल कटवाए उनने। ओके,
आखिरी में आपके जो दर्शक देख रहे हैं उनको बताइए, जरा जाके मूवी देखना थोड़ा अपनी। हाँ प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, आप आज ही वो रिलीज हो चुकी है मूवी PVR में, आप देखने जाइएगा प्लीज़, बिकॉज मैं एनी का रोल कर रही हूँ। आप मेरे को भी देखिए, मेरी एक्टिंग बताइए, और अगर आपको मेरे को फॉलो करने तो इंस्टाग्राम परिशर्मा 102 पे फॉलो करिए। ओके, थैंक यू सो मच परी, थैंक यू।